डॉक्टर्स मेरा भगवान है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, वो लोग मेरे को साथ दे रहे हैं और मेरे को इलेक्ट करता बोल के मेरे को भरोसा है 100%। दिस वीडियो स्पॉन्सर बाई हिलेंड्री हॉस्पिटल नियर नेहरू स्टेडियम, अल्बेक फैमिली रेस्टोरेंट अपोजिट गुरु नानक गेट, TMK एंटरप्राइजेस, अथोराइज्ड MI स्टोर अपोजिट साई फैब्रिक एंड होप चेस्ट हॉस्पिटल बिहाइंड नंदी पेट्रोल पंप। टू जर्सलेम कॉलोनी से टीपू सुल्तान कॉलोनी, ग्रेस कॉलोनी, जर्सलेम कॉलोनी, चन्ना बसो कॉलोनी, हुगेरी नियर शिवपुर कॉलोनी, नियर SP बंगला के पीछे पूरा एरिया लालवाड़ी। तमाम लोगों को मेरे वोटर्स मेरा भगवान है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, वो लोग मेरे को साथ दे रहे हैं और मेरे को इलेक्ट करता बोल के मेरे को भरोसा है 100%। मैं बहुत काम किया हूँ अपने समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए भी काम किया हूँ, मेरे को 100% मैं गली का हूँ और गली के हर लोग मेरे को चाह के वोट दे के जीता के लेके आ रहे, मेरे वाइफ को जीता के लेके आ रहे। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्ड नंबर 32 से आज MIM के कैंडिडेट मिसेस जया कोटे वाइफ ऑफ अकबर कोटे का नामिनेशन यहाँ पर दाखिल किया गया। आज के इस मौके पर मैं वार्ड नंबर 32 की तमाम अवाम से गुजारिश करता हूं कि अल्बर्ट कोटे शुरू से संगठना में रहे हैं और लोगों के हकूक़ के लिए, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। आप जितने भी कैंडिडेट को देखेंगे, कोई भी कैंडिडेट आपको ज़मीनी सतह से काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक अल्बर्ट कोटे है जो कई ज़माने से वो ज़मीनी सतह पर काम करते आए हैं, लोगों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करते आए हैं। ऐसे जिद्दोजहद करने वाले को अगर आप अपना उम्मीद अपना नुमाइंदा बनाते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मसाइल रहेंगे उन मसाइल को ये बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे अंदाज में हल करेंगे। वहाँ के जो भी बल्दी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर MIM का कैंडिडेट जीतता है तो वो सारे मसाइल हल होंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अल्बर्ट कोटे वहाँ के एक स्थानीय उम्मीदवार है, वहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो इधर उधर से आकर वहाँ पर अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे। मैं अब महले वार्ड की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप अल्बर्ट कोटे का साथ दें, MIM को कामयाब बनाएं। हमारा निशान पतंग है, पतंग के निशान पर 3 तारीख को वोट बटन दबाएं और उन्हें कामयाब करें। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने B-Farm देकर यहाँ के लोगों पर अपना भरोसा कायम किया है और हमारी जिम्मेदारी है कि उनको इस भरोसे को टूटने ना दें और इस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आली जनाब अल्लाज नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बीदर वार्ड नंबर 32 से हमारे भाई अल्बर्ट कोटे के अहलिया जया कोटे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कैंडिडेट B-Farm दिए हैं। आज हमने तहसील ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं वार्ड नंबर 32 की बिला मजहब वो मिल्लत अवाम से अपील करता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट जया जी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। गुज़िश्ता 2013 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कैंडिडेट बीदर से चुनकर आए थे, हमने उस तीनों वार्डों में अच्छा डेवलपिंग किया है। सियासी तौर पर भी अवाम के दरमियान में रहे, समाजी तौर पर भी अवाम के खुशियों में रहे, अवाम के तकलीफ़ों में रहे, हमने इतना डेवलप किया है
कि जो सत्ता में पार्टियां थी उनसे कहीं कम नहीं किया, कहीं ज़्यादा काम किया है। और इंशाल्लाह वार्ड नंबर 32 की अवाम जया कोटे जी को अगर जिता कर लेकर आती है हमारी बहन को, तो हम लालवाड़ी का जितना भी हमारा मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 32 का हल्का है, वो हल्के में भरपूर नुमाइंदगी कर आपके बल्दी मसाइल हल करेंगे। जिस तरह से पानी का मसला हो, लाइट, रोड, नल, तमाम चीज़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर डेवलपिंग का काम करेगी। मैं इतना कहते हुए वार्ड नंबर 32 के अवाम से कहता हूँ, आप एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में देकर आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। जय हिंद, जय कर्नाटका।